नमस्कार साथियों, मैंने देखा है कि मेरे कई दोस्त काफ़ी दिनों से जो स्पंजार में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी किल को हीटअप करना या लाइटअप करने में कुछ उनके डाउट्स रहते हैं। तो मैं आज उनके इन डाउट्स को क्लियर करूंगा। मैं बताऊंगा एक बेसिक कॉन्सेप्ट कि किल को कैसे हीटअप करना है या लाइटअप करना है। आर के इंफॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन। नमस्कार साथियों, आज का मेरा टॉपिक है, कई लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर किल को कैसे लाइट अप करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि किल कोई भी टीबीटी का हो, चाहे वो 100 का हो, 350 का हो, 500 या 600, यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी टीबीटी को हीटअप कर सकते हैं या लाइटअप कर सकते हैं। अंतर केवल इतना रहता है कि जो आप नोज़ल यूज़ करेंगे फायरिंग गन में वो अलग अलग रहेगा। 100 में मान के चलिए आप 20 या 25 का यूज़ करते हैं, 350 में 32, 35 या 32 का यूज़ करेंगे और 500 में 40 या 42 का यूज़ करेंगे। तो ये मेन अंतर रहेगा। बाकी आपको इसका फ्लेम कैसे सेट करना है वो आना चाहिए। फ्लेम सेटिंग के लिए आपको कंप्रेस एयर, सीवी एयर, LDO माने डीजल कंप्रेसर, इसको इस तरह से सेट करना है कि ये कंप्लीट कम्बशन फ्लेम बननी चाहिए जिससे प्रॉपर हीटअप हो सके। तो इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। फ्लेम कैसी दिखनी चाहिए यह मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आपको एयर और डीजल की क्वांटिटी और सीवी के एयर से बेहतरीन फुल ऑक्सीडाइजिंग या कम्बसेबल फ्लेम को सेट करना है। और मैं एक चीज़ बता दूं कि स्टार्टिंग में जब आप लाइटअप करते हैं तो फ्लेम को एकदम ज़्यादा लंबा मत रखिए, क्योंकि उससे हीटअप तो होगा लेकिन आपका जो डीजल हो या हीट हो वेस्ट ही होगी। क्योंकि शुरू में आपको करीबन 1 से 2 आवर स्लो सोकिंग देनी होगी ताकि आपकी जो रिफेक्ट्री है वो मॉइस्चर फ्री हो जाए। इसके बाद आप फ्लेम को लंबा कीजिए या LDO का क्वांटिटी बढ़ाइए, तो उससे आपका हीट का प्रॉपर यूज़ होगा और प्रॉपर हीटिंग भी होगी। लेकिन कई लोग मैंने देखा कि स्टार्टिंग में ही बहुत ही लंबा फ्लेम सेट कर देते हैं, हीटअप होता है उससे फास्ट भी हीटअप होता है, लेकिन हीटअप के कंपेयर में जो आपका हीट और जो डीजल हो वेस्ट ही होगा और सडनली हीटअप से आपकी रिफेक्ट्री भी ख़राब हो जाएगी, उसमें क्रैक्स आ सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको स्लो सोकिंग देना है करीब 1 से 2 आवर, उसके बाद आप फ्लेम को लंबा कीजिए और हीटअप कीजिए। और फ्लेम को इतना सेट कीजिए जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को एवरी 15 मिनट या 30 मिनट में 50 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर को राइज करना है, उसके अकॉर्डिंग आप LDO क्वांटिटी को बढ़ाइए, एयर को बढ़ाइए और फ्लेम को कंप्लीट कम्बशन में रखिए, आपका प्रॉपर हीटअप चालू हो जाएगा। और टेम्परेचर कहाँ तक लेके आइए ताकि आपकी कोल फैंस कम्बशन होने लगे, करीबन 450 से 500 तक। आउटलेट में जब आपका टेम्परेचर 400 या 500 के बीच में आ जाता है तो आप एक कम क्वांटिटी में फैंस को चालू कीजिए, 0.5 में या बड़ा किल है तो 1.5 या 110 में चालू कीजिए। और ये कोशिश कीजिए कि आपका फैंस आउटलेट में ही ड्रॉप हो। उसके लिए आपको रूट ब्लोअर का प्रेशर को इतना सेट करना है कि आपका इंजेक्टर जाम नहीं होना चाहिए और ड्रॉपिंग जो है कोल का फाइंस का और आउटलेट में हो, और देखिए कि वो उसमें कम्बसन स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि आपका टेम्परेचर 400 से 500 है तो उसमें कम्बसन चालू हो जाएगा। और एक चीज़ और यदि ध्यान रखिए, यदि आपका रेनी सीजन है या फाइंस है मॉइस्चर है तो आप स्टार्टिंग में नोज़ल का साइज को थोड़ा बड़ा यूज़ कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी टेम्परेचर को राइज करने में और मेंटेन करने में। तो जब आपका कोल कम्बशन चालू हो गया तो आप कोल और क्वांटिटी को बढ़ाइए, और जैसे आप बढ़ाते जाएंगे कोल का कम्बशन बढ़ते जाएगा, और जब कम्बशन चालू हो जाए तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे आपका कोल में कम्बशन स्टार्ट होता है आपको आउटलेट का जो भी सेलर फैन है उनमें एयर देना चालू करना है ताकि आपका सेलर ट्यूब भी कूलिंग रहे और
कंबशन में एयर का भी हेल्प मिले। जब आपको कूल में कंबशन चालू हो जाए तो आपको कूल क्वांटिटी को बढ़ाइए और आउटलेट का जो सेलर फैन उसको भी चालू कीजिए और कूल क्वांटिटी को बढ़ाते जाइए अकॉर्डिंग टू क्लीन का TPT। और जैसे कंबशन पूरा कंप्लीट होने लगता है आपको आउटलेट का एयर को खोलना है। एयर को रिलीज करेंगे या देंगे तो उससे कंबशन और राइज होगा और उसके बाद जब आपका आउटलेट में प्रॉपर कंबशन होने लगेगा और आपने आउटलेट में एयर दे दिया तो क्या होगा, आपकी जो आउटलेट की हीट है वो धीरे धीरे करके इनलेट की तरफ शिफ्ट होगी और उसी अकॉर्डिंग में आपको कोल भी थोड़ा थोड़ा आगे शिफ्ट करते जाना है, RB के प्रेशर को बढ़ाना है और स्टेप बाय स्टेप सेलर फैन का एयर को देते जाना है और एक समय के बाद आप मैक्सिमम कोल क्वांटिटी पर पहुँच जाएंगे जो आपका लगता है। मान के चलिए आपका 100 TPT है तो इसमें 2.5 से 3 टन तक आप दे सकते हैं। तो उसके बाद आप रूट ब्लोअर को प्रेशर को बढ़ाइए और एयर को बढ़ाइए। कंप्लीट जब कोल में कंबशन होने लगेगा, आपका कंप्लीट कंबशन होने लगा है तो करीबन किल को हाफ रोटेशन दे दीजिए और आपका जब फुल कोल जो आप दे रहे हैं उसमें पूरा कंबशन होना चालू हो गया तो आप किल को ऑक्सी ड्राइव या 0.1 RPM में रोटेट करिए और स्टेप बाय स्टेप इनलेट की तरफ जो सेलर फैन उनका एयर को खोलिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका किल हीटअप हो रहा है और सभी जोन का टेम्परेचर राइज हो रहा है। बस TPT के अकॉर्डिंग आपको कोल का क्वांटिटी और एयर का ध्यान रखना है। बड़ा किल है तो आपका 4 टन या 5 टन फैंस जाएगा तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये किल्न का व्यू है। ये सेंटर बर्नर से जो हमारा फायरिंग गन डला हुआ है तो सबसे पहले ये फ्लेम थोड़ा छोटा रखते हैं, उसके बाद जब सोकिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर फ्लेम को आप यहाँ तक ऐसे लंबा कर सकते हैं। तो जब यहाँ पर टेम्परेचर 400 से 500 आ जाता है तो हम यहाँ से कोल को चार्ज कर देंगे। पहले कम क्वांटिटी में कोल को चार्ज करेंगे और जब ये कोल में कंबशन होने लगेगा तो हम क्या करेंगे, कोल को क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाते जाएंगे जब यहाँ पे काफ़ी जितना भी आप कोल फैंस चार्ज कर रहे हैं वही उसमें कंबशन चालू हो गया तो उसी समय आपको ये जो ट्यूब है इसका जो सेलर फैन है उसको भी आपको चालू कर देना है। तो जब ये कंबशन होते जाएगा और आप कोल को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय आएगा कि ये जितना भी कोल आप चार्ज कर रहे हैं वो पूरा सेम टाइम में कंबशन होने लगेगा उसका और उसी समय आपको किल को भी रोटेशन दे देना है। और जब ये पूरा कोल कंबशन होने के बाद थोड़ा सा आपको उसका प्रेशर इंक्रीज़ करना है ताकि कोल यहाँ ड्रॉप हो रहा था अभी यहाँ ड्रॉप होने लगे और आपको ये फैन का भी एयर को खोलना है। ऐसे करके आपको जो कंबशन हो रहा है इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करना है और स्टेप बाय स्टेप ये सबका एयर को खोलते जाना है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब आपका पूरा कोल बर्न होने लगेगा उस कंडीशन में भी आपको जो इनलेट का एयर है वो नहीं खोलना है, वो मतलब उसको बहुत मिनिमम ही रखना है या तो जीरो में रखिए क्योंकि आपका कोल जो थ्रो हो रहा है हीटअप हो रहा है या कंबशन हो रहा है वो मिडिल जोन तक ही शुरू में आपको रखना है क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं, गैस टेम्परेचर रहेगा। तो यदि आप यहाँ भी एयर खोलेंगे इनलेट में तो क्या हो जाएगा, यह कूलिंग कर देगा ये, तो उस कंडीशन में आपका जो इनलेट का टेम्परेचर वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको ये करना है कि जहाँ तक होता है एक दो तीन जो आपका फैन है उनका एयर को एकदम मिनिमम रखना है या जीरो रखना है और आपको सबसे पहले आउटलेट का एयर खोलना है। आउटलेट के जो भी आपके 3 से 4 फैन हैं पूरा लोड वहीं पर देना है और आपको कोल का जो थ्रो है उस जोन में ही करना है ताकि आपका कोल को प्रॉपर एयर मिले और कंबशन हो और हीट जो है वो इनलेट में ट्रांसफ़र हो। तो उससे क्या होगा, आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा और ग्रेजुअली आपको एयर भी बढ़ाते जाना है और जब आपका टेम्परेचर मिडिल जोन में या आउटलेट में करीब 900 के आसपास आ जाता है या 1000 के आसपास आ जाता है तो आपको शुरू में तो आपने फाइन कोल दिया था, मान के जो 0 to 4 दिया था,
तो आपको कोर्स कॉल चालू कर देना है, जो 4-10 या 4-18 आप जो भी आउटलेट से रखते हैं उसमें आपको कोर्स कॉल को भी चालू कर देना, क्योंकि आपका जो फाइंस है वो कंबशन होकर गैस टेम्परेचर को मेंटेन करता है लेकिन एक बेड क्रिएट नहीं करता। जब आप लम्स देंगे तो ये जल के क्या करेगा, एक बेड क्रिएट कर देगा जो कि आपकी हीट को होल्ड करके रखेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। और मैंने जैसे आपको बताया, जब आपका पूरा कोल कंबशन होने लगेगा तो आपको किल्न को 0.1 RPM में रोटेट करना चालू कर देना है, और जब रोटेट होगा तो आपको उसका टेम्परेचर भी आपका मॉनिटर पर डिस्प्ले होने लगेगा। अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर आपको आउटलेट का एयर को ओपन करते जाना है। इसे आप देखेंगे कि आपका टेम्परेचर हर एक रोटेशन में ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा है। जब आपका टेम्परेचर, मान के चलिए यहाँ जो आपका इनलेट में जो भी थर्मोकपल होगा वहाँ पर 700 आ जाता है, 700 आ जाने पर आपको क्या करना है, इनलेट से कोल को चार्ज कर देना है। कोल कितना चार्ज करेंगे वो आपके किल्न के ऊपर डिपेंड करेगा, कि आप स्टार्टिंग में कितना फीड डालेंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसको क्या होगा, जब चार्ज कर देंगे तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे एक बेड क्रिएट कर देगा और क्या करेगा, इनलेट का हीट को होल्ड करके रखेगा। या कि यदि आप लो FC का कोल यूज़ करते हैं तो जनरली पहले जैसे ही आपका इनलेट में टेम्परेचर 700 आता है आप फीड कोल को चार्ज कर दीजिए, और यदि आप हाई FC यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूरत नहीं। और जब ये टेम्परेचर 800 तक पहुँच जाएगा तो आप इसमें फीड को चार्ज कर सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि टेम्परेचर जैसे ही 800 पहुँचता है आप किल्न को स्लाइटली पॉजिटिव लेके आ जाइए और देखिए कि आपका टेम्परेचर होल्ड है कि नहीं। होल्ड हो गया है उसके बाद ही आप फीड को चार्ज कीजिए, क्योंकि फीड जैसे आप चार्ज करेंगे आपका टेम्परेचर इतना मेंटेन होना चाहिए कि इधर से जो ऑयल फायरिंग होनी है उसके बाद आपको इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको आप रिड्यूस कीजिए और CV का एयर को बढ़ाइए, कोल थ्रू को बढ़ाइए, कोल क्वांटिटी यदि कम लग रही है आपको तो उसको भी बढ़ाइए और एयर को बढ़ाइए, आपका किल्न कोल पे आ जाएगा। और दूसरा चीज़, यदि आपका कोल बहुत ही ड्राई है तो आप यहाँ जब लाइट अप करेंगे तो उसके आधे घंटे बाद ही आप थोड़ा कोल चार्ज करके देख सकते हैं। यदि कोल में आग पकड़ रहा है या कंबशन हो रहा है तो आप उस कंडीशन में कोल को बढ़ा के और एयर को बढ़ा के किल्न को कोल से ही हीट अप कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका जो डीजल है उसका क्वांटिटी कम लगेगा, तो इसका बेनिफिट रहता है। यदि आपका कोल में अच्छा FC है और फाइंस ड्राई है तो आप कोल से भी किल्न को हीट अप कर सकते हैं, उस कंडीशन में आपका डीजल का क्वांटिटी कम कंजप्शन होगा। और यदि आप लो FC या मॉइस्चर वाला कोल यूज़ कर रहे हैं तो ये रिस्क मत लीजिए, आप प्रॉपर ऑयल पे हीट अप करके ही कोल को चार्ज कर दीजिए, अदरवाइज आपका किल्न में प्रॉपर सोकिंग नहीं होगा और टेम्परेचर होल्ड नहीं रहेगा। जैसे आप LDO बंद करेंगे आपका टेम्परेचर ड्रॉप होना चालू हो जाएगा और फीडिंग भी आप जो देंगे हो सकता है आपका पूरा बी ग्रेड में डिस्चार्ज आए। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट ये है, सेफ्टी का पॉइंट है कि ये जो आपकी फ्लेम जल रही है, बाय द वे आपका नोजल जाम हो गया या उसमें कुछ पार्टिकल्स या कचरा आ गया तो क्या होगा, ये फ्लेम बुझ जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, आपका ऑयल जो है ना यहाँ स्प्रे होने लगेगा, स्प्रे होने से एक हाई VM जोन क्रिएट हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब आप इसको रीलाइट करेंगे टॉर्च से तो ये क्या है, यहाँ पे एक्सप्लोजिव का काम करेगा और क्या करेगा, बैक मारेगा पीछे साइड में। तो आपको यहाँ पर बहुत ही सेफ्टी से इसको रिलाइट करना है क्योंकि इसके बैक से एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है। जो नए लोग रहते हैं उन लोगों को ये चीज़ का नॉलेज नहीं रहता। मान के चलिए ये फ्लेम बुझ गया और 5-6 मिनट तक चल रहा है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दोबारा जब इसको रिलाइट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ एक ब्लास्ट टाइप का होगा और उस कंडीशन में पूरा बैक CV से और इधर आपका जो इंस्पेक्शन डोर होगा वहाँ से भी बैक मार देगा आपको। तो उसमें क्या है, फेस वगैरह बर्न होने का चांसेस रहते हैं। तो ये सेफ्टी ध्यान रखना है कि यदि
बाय द वे यदि ये आपने देखा कि ये फ्लेम जो है ना बुझ गई है, तो इमीडिएट आपको जो ऑयल का फ्लो हो रहा है उसको क्लोज करना है। और जब आपका जो लाइटर वाला टॉर्च है वो यहाँ तक आ जाता है, उसके बाद ही आपको ऑयल का सर्कुलेशन चालू करना है, ताकि सेम टाइम में एक यहाँ पे कंबसन चालू हो जाए। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है, क्योंकि कई बार इसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, कई लोग बोलेंगे सर किल में लाइटअप के समय कितना ड्राफ्ट होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए या स्टैक कैप कितना ओपन होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि कैप जनरली आपका जो कैप होगा उसके बीच में डिस्टेंस बिलो 100 mm होना चाहिए। और दूसरा चेक करने का तरीका ये है कि जब आपका टॉर्च जल रहा है या कंबशन हो रहा है, तो यहाँ पर जो इंस्पेक्शन डोर होता है वहाँ पर आप जो डस्ट होती है ना उसको यदि हाथ से ऐसा मूव करेंगे, यदि बहुत ही स्पीड से ड्रॉप अंदर ले रहा है तो मान के चलिए आपका ड्राफ्ट ज़्यादा है। ये जो यहाँ पर सक्शन ले रहा है, यहाँ पर स्लो सक्शन होना चाहिए, एकदम फास्ट सक्शन नहीं। फास्ट है मतलब आपको कैप को और क्लोज करना है, क्योंकि आपका क्लोज कैप ज़्यादा ओपन रहेगा तो आपका हीट जो है वो जो बहुत ही स्पीड से इनलेट की तरफ मूव करके स्टैक कैप से रिमूव होती जाएगी स्टार्टिंग में, और सोकिंग नहीं होगी। सोकिंग के लिए हमको ज़्यादा ड्राफ्ट नहीं चाहिए, ऑप्टिमम ड्राफ्ट चाहिए। ऑप्टिमम ड्राफ्ट के लिए क्या करना है, आपको कैप को क्लोज करना है और यहाँ से इंस्पेक्शन डोर से आपको चेक करना है कि ज़्यादा ड्राफ्ट तो नहीं है। ज़्यादा ड्राफ्ट नहीं है तो ठीक है। और जब आपका पूरा फीडिंग आ जाता है तो आप इसको भी चेक कर सकते हो, जो आपका स्लिप सील होता है या जो बैक फ्लो में जो प्रेशर आता है वो थोड़ा थोड़ा आना जाना चाहिए, स्लिप सील में ही प्रेशर आना जाना चाहिए वो। तो आप समझ जाएंगे कि मेरा स्लाइटली पॉजिटिव कील में प्रेशर हो चुका है। और स्टार्टिंग में ड्राफ्ट के लिए यहाँ इंस्पेक्शन डोर से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं थोड़ा आपको फ्लेम के बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे अभी व्यू में देख रहे हैं, ये आपका सीबी हो गया और इसके अंदर ये आपका जो गन डला हुआ है। गन में जनरली दो पार्ट होते हैं, आउटर जो होता है ये एयर का पार्ट रहता है, और जो सेंटर में होता है ये इससे ही आपका जो ऑयल है वो थ्रो करता है। यहाँ पर देखेंगे ये कंप्रेस एयर आउटर में रहता है और जो ऑयल रहता है वो सेंटर में रहता है। सेंटर से ऑयल फ्लो करता है और जो कंप्रेस एयर है ये इसको यहाँ एयर जो है ना कंबशन में हेल्प करता है, इसे कंप्लीट कंबशन होता है और एक बेहतरीन फ्लेम जनरेट होती है। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, करीबन 10-20% मान के चलिए, यदि आपका इसका प्रेशर 4 kg है एयर का प्रेशर, तो इसको 10-15% में ओपन करके रखिए और ऑयल को ओपन कीजिए धीरे धीरे करके, और आप देखिए कि यहाँ कंप्लीट कंबशन फ्लेम बन रही है कि नहीं बन रही है। तो इस ऑयल को आप सेट करते जाइए, जब आप देखेंगे कि कंबशन कम पड़ रहा है मतलब ऑयल ज़्यादा हो रहा है, तो फिर इसको बढ़ाइए, ऑयल के प्रेशर को बढ़ाइए। ऐसा करके आप दोनों को स्टेप बाय स्टेप सेट करके ये फ्लेम को कंप्लीट कंबशन के लिए सेट कर सकते हैं। और यदि लास्ट में ये हो रहा है कि आपका कंप्रेस एयर फुल हो गया उसके बाद भी कंबशन कम पड़ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका सेंटर बर्नर है उसको भी चालू करके उसके एयर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो कई लोग ऐसा गन यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह ऐसा है जहाँ सिंगल पाइप ही रहता है जिसमें सिर्फ डीजल वाला लाइन ही रहता है, कंप्रेस एयर नहीं रहता, तो उस कंडीशन में आपको सीबी का एयर को ओपन करके फ्लेम को सेट करना पड़ता है। तो उसमें भी यही करना है आपको, ऑयल ओपन करना है और सीबी का एयर को एडजस्ट करना है और देखना है कंप्लीट कंबशन वाला फ्लेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इस टाइप से आप फ्लेम को सेट कर सकते हैं। और मैंने जो आपको ये जानकारी दी है इसको आप एक बेसिक जानकारी मान के जब भी लाइटअप या हीटअप करते हैं उस समय अपना खुद कंडीशन को देखिए और उस हिसाब से डिसीजन लीजिए। आर के इन्फॉर्मेशन, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड प्रेस द बेल आइकॉन।